हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे 100% होल व्हीट ब्रेड, वो भी घर पर। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती है। और सबसे बड़ी बात, ये आप घर पे बना रहे हैं प्रिजर्वेटिव फ्री। इस सैंडविच ब्रेड को हम सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए वॉर्म वाटर लेंगे आधा कप। उसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून ईस्ट। इसे मिक्स करके अलग रख लेंगे 5 मिनट। एक बड़े मिक्सिंग बोल में 2 कप होल व्हीट फ्लार लूंगी, 1 टीस्पून सॉल्ट। इनको मैं मिक्स कर लूंगी और एक बीच में वेल बना लूंगी। ईस्ट एक्टिवेट हुई है या नहीं ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी पूरी बैच ख़राब हो जाएगी। इस मिक्सचर को मैं होल व्हीट फ्लार में डाल दूंगी और साथ में आधा कप और वॉर्म वाटर भी ऐड करेंगे। अगर आप ईस्ट के बिना ब्रेड बनाना चाहते हैं तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगी रेसिपी में, लेकिन सच मानिए ईस्ट के बिना ना ही ऐसा टेक्सचर आता है ना ही टेस्ट आती है, लेकिन आप फिर भी बनाना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। इस मिक्सचर को हम स्पैचुला से खाली इकट्ठा करेंगे, इसे हमें गूंदना नहीं है। मिक्सचर ड्राई लग रहा है तो मैंने 1/4 कप पानी और डाल दिया, ये भी वॉर्म है। तो टोटल वॉर्म वाटर हो गया 1 कप प्लस 1/4 कप। अब ये इकट्ठा होने लगा है, हमें इसे गूंदना नहीं है बिल्कुल, ये याद रखिए, हमें सिर्फ इसे इकट्ठा करना है। अब ये जो डो है ये इकट्ठा हो गया है सब तरफ से। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं देखिए गूंद नहीं रही हूँ, बस इसे मैंने इकट्ठा कर लिया, एक साथ एक बॉल के शेप में उसे रख दिया। और मैं अब इसे वॉर्म प्लेस पे कवर करके रखूँगी 1 घंटे के लिए, जब तक ये डबल ना हो जाए। 1 घंटे बाद देखिए इसकी साइज़ डबल हो गई है। एक रोलिंग बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट कर लिया, ऊपर से भी मैं थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट करूँगी। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से नीड करेंगे स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड यूज़ करके। तो बहुत ही स्टिकी होगा और स्टार्टिंग में आपसे हैंडल नहीं होगा, बट आप थोड़ा सा आटा और यूज़ करके इसे हैंडल करने लायक बना लीजिए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ग्लूटेन फॉर्म होगा और हमारी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी, उसमें एयर पॉकेट्स अच्छे बनेंगे। तो 5 मिनट के लिए आप इसे नीड कीजिए। 2-3 मिनट बाद ये पहले से स्मूथ दिखने लगा है। अब मैं ऑयल यूज़ करूँगी और इस आटे को अपने हाथों से स्प्रेड करूँगी और एक रेक्टेंगुलर शेप देने की कोशिश करूँगी। अब हम इसे साइड्स में से फोल्ड करते हुए रोल कर लेंगे और हमारी जो ब्रेड लोफ टिन है रेडी है, उसके अंदर हम डाल देंगे। मैंने ब्रेड लोफ टिन जो है उसे ऑयल से ब्रश कर लिया था, फिर मैंने बटर पेपर भी यूज़ किया है ताकि वो इजीली बाहर आ जाए। हम जेंटली इस डो को अंदर डाल देंगे और मैं अभी अपने फिंगर्स से इसको स्प्रेड कर रही हूँ ताकि सारे टिन में ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए, टिन की सारी एरिया ये कवर कर ले। अब इसे हमें सेकेंड प्रूफिंग के लिए 1 आवर के लिए फिर से रखना है वॉर्म प्लेस पर। आप देखेंगे 1 घंटे बाद ये कितना डबल हो गया है। अवन को मैंने प्रीहीट करने रख दिया है 180 डिग्री पे। कम से कम 20 मिनट्स के लिए मैं प्रीहीट करूँगी क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए काफ़ी गर्म अवन चाहिए होता है। अब इसके ऊपर मैं दूध ब्रश कर रही हूँ। मिल्क ब्रश करने से इसके ऊपर वो रेड कलर आएगा जो हमें ब्रेड पर चाहिए होता है। तो मैं अभी इसे बेक करूँगी 35 to 40 मिनट्स। 35 मिनट्स के बाद आप चेक कर लीजिए। सही, ब्रेड ऊपर से अच्छी ब्राउन कलर की हो जाए। अब उसे निकाल लीजिए और कूलिंग रैक पे रख लेंगे। इसके ऊपर मैं इमिडिएटली ऑयल ब्रश कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इससे एक अच्छा ग्लेज आता है ब्रेड के ऊपर, तो मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैंने ऑयल ब्रश कर लिया। अब मैं एक नैपकिन को पूरा गीला कर दिया है मैंने, उससे कवर कर लूँगी एक वेट क्लॉथ से। इससे हमारी ब्रेड एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो 1 घंटे बाद मैं अब क्या करूँगी, नाइफ की हेल्प लेके साइड्स एकदम निकाल लूँगी। साइड्स एक बार अच्छे से क्लियर हो गए तो लोफ इजीली निकल आएगा। इसे हम फ्लिप कर लेंगे, एक आधा बार टैप करेंगे और ये हमारी ब्रेड निकल गई। बटर पेपर यूज़ करने से बहुत ईजी होता है, बिल्कुल भी ब्रेड चिपकती नहीं है और एकदम ईजीली बाहर आ जाती है। मैं आपको ब्रेड को कट करके दिखाती हूँ। देखिए कट करने से ही पता चल रहा है वो कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे एयर पॉकेट्स आए हैं और कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी ब्रेड बना है।
तो आपने देखा घर पे ब्रेड बनाना कितना सिंपल है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।